सुप्रभात छात्रों, RCI एजुकेशन हब बानसुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। विषय संस्कृतम, और बेटा हम टॉपिक पढ़ेंगे विसर्ग संधि। व्यंजन संधि हमारी कंप्लीट हो गई है, आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। सबसे पहले आती है विसर्ग संधि की परिभाषा। यदा विसर्गस्य स्थाने किमपि परिवर्तनं भवति, यदा विसर्गस्य स्थाने किमपि परिवर्तनं भवति तदा स विसर्ग संधि इति कथ्यते। यानी जब विसर्ग के स्थान पर कोई किमपि यानी कोई परिवर्तनं भवति यानी परिवर्तन होता है, तदा यानी तब स विसर्ग संधि इति कथ्यते, तो तब वह यानी कि वह या उसे विसर्ग संधि कहते हैं। सबसे पहले आते हैं विसर्ग संधि में सत्व संधि। सत्व संधि यानी विसर्जनीयस्य से, सूत्र है विसर्जनीयस्य से, यानी यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार, खर प्रत्याहार यानी वर्ग का पहला दूसरा, खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, वर्ग का पहला दूसरा या शय 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 हो, तो विसर्ग के स्थान पर शय हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, शय हो जाता है। यथा जैसे, बेटा उदाहरण के माध्यम से समझो, जैसे राम है प्लस चलती, राम है प्लस चलती, राम है प्लस चलती। अब बेटा यहां पर देखो, बेटा आप राम है प्लस चलती, और यानी कि तीनों के एक एक बता देती हूं। राम है प्लस चलती, नमः प्लस ते, नमः प्लस ते, नमः प्लस ते, विष्णु धनु प्लस टंकार। धनु प्लस टंकार, ठीक है बेटा। अब बेटा ये देखो, ये उदाहरण है तीन। राम है प्लस चलती, राम है मैं के बाद क्या आ गया है, ये विसर्ग आ गया है, प्लस उसके बाद क्या आ गया है, चय। क्या बताया विसर्ग संधि इसमें सत्व संधि की परिभाषा में, यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार यानी वर्ग का पहला दूसरा या स स शय हो, तो विसर्ग के स्थान पर शय हो जाता है। विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, शय हो जाता है। लेकिन बेटा आपको व्यंजन संधि में एक सूत्र बताया होगा, इस्तो इश्चुना इस्तु, इस्तो इश्चुना इश्चु, ये वाला सूत्र बताया होगा। इस सूत्र के माध्यम से ये है कि यहाँ पर पहला दूसरा, वर्ग का पहला दूसरा यानी कि अगर चय छय है तो कौन सा, अगर चय छय है, चय छय है तो कौन सा सह हो जाएगा, दुआ वाला सह, चय वर्ग का यानी कि चय और छय, चय छय है तो कौन सा हो जाएगा, दुआ वाला सह, ठीक है। तय थय है, तय थय, तय थय है तो कौन सा हो जाएगा, सलेटी वाला सह, और टय ठय है तो कौन सा वाला हो जाएगा, षटकोण वाला से, ये से हो जाएंगे, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा यहाँ पर देखो, राम है प्लस चलती, राम है के बाद ये क्या है, विसर्ग है, और यहाँ वर्ग का प्रथम यानी कि पहला वर्ण आ गया चय, ठीक है। इसलिए इस विसर्ग को हमने क्या आदेश कर दिया, स, और कौन सा स करेंगे, चय चय के बाद अगर वर्ग का पहला वर्ण आता है, ये चय आ गया, इसलिए कौन सा वर्ण करेंगे, स, ये वाला शय आदेश हो जाएगा, किसको, इस विसर्ग को हमने ये वाला शय आदेश कर दिया, और हमारा संयुक्त सब क्या बन गया, रामश चलती, क्या बन गया है, रामश चलती, ठीक है, रामश चलती। अब देखो दूसरा है नमः प्लस ते, नमः प्लस ते, नमः के बाद ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आ गया, त, यानी कि वर्ग का पहला वर्ण आ गया, पहला वर्ण आ गया, और पहला वर्ण कौन सा है, तय, तय वर्ग का, अगर तय और थय इन दोनों वर्णों में से हो तो इस विसर्ग को कौन सा से आदेश हो जाता है, ये वाला से, तो इस विसर्ग को हम कौन सा से आदेश कर देंगे, ये वाला से कर देंगे, ठीक है। अब हमारा ये संयुक्त शब्द बन जाएगा नमस्ते, ठीक है। उसके बाद है धनु प्लस टंकार, धनु के बाद क्या है, ये विसर्ग है, और विसर्ग के बाद क्या आ गया, तय, यानी वर्ग का प्रथम अक्षर आ गया, प्रथम वर्ण आ गया, इसलिए, और कौन सा आया है, तय, यानी तय और ठय, यहाँ पर तय और ठय आने पर कौन सा सह आदेश कर देंगे विसर्ग को, ये वाला सह, इस विसर्ग को हमने कौन सा वाला सह आदेश कर दिया, ये वाला सह आदेश कर दिया, ठीक है।
तो हमारा संयुक्त शब्द बन गया धनुष, धनुष टंकार है, धनुष टंकार है। ठीक है बेटा, इस प्रकार से ये हमारी सत्व संधि कंप्लीट हुई। अब हम विसर्ग संधि यानी वासरी सूत्र के माध्यम से विसर्ग संधि पढ़ेंगे। विसर्ग संधि सूत्र है वाशरी। ठीक है, वाशरी सरी विसर्गस्य विसर्गो वासयात्, शरी विसर्गस्य विसर्गो वा सयात। ठीक है, सरी विसर्गस्य विसर्गो वा सयात। यदि विसर्ग के बाद यदि विसर्ग के बाद शय 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 यदि विसर्ग के बाद शय 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 आवे तो विसर्ग को, यदि विसर्ग के बाद शय 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 यदि विसर्ग के बाद शय 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 आवे तो विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग आदेश हो जाता है, तो विसर्ग के स्थान पर विकल्प से विसर्ग आदेश हो जाता है। ठीक है, यथा जैसे उदाहरणों के माध्यम से समझो, हरी प्लस शेते, हरी प्लस शेते। अब देखो बेटा, हरी प्लस शेते यहाँ क्या आ गया है, विसर्ग आ गया है। ठीक है, क्या है, यदि विसर्ग के बाद शय 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 आवे तो विसर्ग के स्थान पर विकल्प से क्या आदेश हो जाएगा, विसर्ग ही आदेश हो जाता है। यहाँ क्या है, हरी के बाद क्या है, विसर्ग है, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, शय आ रहा है, इसलिए विकल्प से क्या हो जाएगा इसको, यानी कि विसर्ग ही आदेश हो जाएगा। तो क्या बराबर ये क्या हो जाएगा, हरी शेते। ठीक है, हरी शेते। ठीक है, उसके बाद है दूसरा उदाहरण, नी प्लस संदेह है, नी प्लस संदेह है। ठीक है, अब यहां पर विसर्ग आ गया, विसर्ग के बाद ये शय आ गया, इसलिए विकल्प से यानी कि इसको विसर्ग ही आदेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नी संदेह है, नी संदेह है। ठीक है बेटा, उसके बाद है तीसरा, नृप प्लस षष्ठ, नृप प्लस षष्ठ, नृप के बाद ये क्या है, विसर्ग, विसर्ग के बाद ये क्या आ गया, स आ गया, इसलिए विकल्प से इस विसर्ग को विसर्ग ही आदेश हो जाएगा और क्या हो जाएगा, नृप षष्ठ, नृप षष्ठ। ठीक है बेटा, इस प्रकार से ये हमारी विसर्ग सत्व संधि, ये विसर्ग वाशरी सूत्र के माध्यम से ये संधि कंप्लीट हुई। ठीक है बेटा, अपनी होमवर्क वाली नोटबुक में नोट कर लेना है, अच्छे से ध्यान से समझना है और याद करना है, इसके आगे हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।